हेलो दोस्तों, मैं हूं जिगर, आपका दोस्त, आपका हम सफर। और आज का हमारा टॉपिक है गुड। गुड का इस्तेमाल इंग्लिश सेंटेंस में कैसे होता है। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो की अंत तक बने रहिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ इंग्लिश ट्रिक्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है वहाँ पे टच कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सके अंग्रेजी के और भी बेहतरीन वीडियो सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं गुड का इस्तेमाल हिंदी के किन वाक्यों में होता है और उसको किस प्रकार अंग्रेजी वाक्य में बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आप इस विधान को समझ लीजिए। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में सका, सकी, सके, सका था, सकी थी या सके थे ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कि मैं पर्वत चढ़ सका था, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पी सकी थी, वो मेरे घर आ सकी थी। तो जब वाक्य के अंत में कुछ भी क्रिया कर सकने की भावना रही हो तो ऐसे वाक्यों में कुड का इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट, कुड, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इस चार्ट का अभ्यास करके कुड कैसे लगता है इसके बारे में जानें। तो आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। जब हम अपनी या हमारी बातें करते हैं तब हम फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जब हम सामने वाले एक व्यक्ति या सामने वाले खड़े हुए कई सारे व्यक्तियों की बात करते हैं तो उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। और जब हम तीसरे किसी एक व्यक्ति या तीसरे कई सारे व्यक्तियों की बात करते हैं तो उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो सब्जेक्ट और उसके बाद आता है गुड। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं पहुंच सका, आई कुड रीच। तो ये देखिए कि मैं पहुंच सका, यानी कि यहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल था या तो कोई नहीं पहुंच सकने वाला था, ऐसा कुछ कार्य मैंने कर दिया तो उसके लिए यहाँ पे मैं पहुंच सका, आई कुड रीड, ऐसा वाक्य बना। जैसे कि हम लोग पहुंच सके, वी कुड रीच। आप पहुंच सके, यू कुड रीच। आप लोग पहुंच सके, यू कुड रीच। जब तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे राम कुड रीच, राम पहुंच सका, द बॉयज कुड रीच, लड़के पहुंच सके। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे देखा कि सिंगुलर वर्ड्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके बाद ही कुड लगता है। तो चलिए और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पहुंच सका, आई कुड रीच देयर। आप समय पर पहुंच सके, यू कुड रीच ऑन टाइम। हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके, वी कुड स्पीक इंग्लिश विथ हिम। रवि वनिता के साथ नाच सका, रवि कुड डांस विथ वनिता। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद कुड और उसके बाद आप नॉट लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच देयर। आप समय पर नहीं पहुंच सके, यू
यू कुड नॉट रीच ऑन टाइम। हम लोग उसके साथ अंग्रेजी नहीं बोल सके। वी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश विथ हिम। रवि वनीता के साथ नहीं नाच सका। रवि कुड नॉट डांस विथ वनीता। तो कुड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनते हैं? तो अब तक तो सब्जेक्ट के बाद कुड आता था, तो यहाँ पे देखिए कुड आगे लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नकार का क्वेश्चन है तो नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं यहाँ पहुंच सका? कुड आई रीच देयर? क्या आप समय पर पहुंच सके? कुड यू रीच ऑन टाइम? क्या हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके? Could we speak English with him? क्या रवि वनीता के साथ नाच सका? Could Ravi dance with Vanita? Could के साथ WH questions कैसे बनते हैं? जैसे कि when, why, where, which, how? इसका प्रयोग जब could के साथ करना हो तो sentence कैसे बनता है? तो देखिए WH वाले जो words है वो आगे ही आएंगे, जैसे कि when, why, how, could। उसके बाद कुड ले लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, और नगर का क्वेश्चन है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आप ये है वो सेंटेंस का फॉर्मूला पूरा नोट कर लीजिए। WH क्वेश्चंस वर्ड, कुड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ कैसे पहुंच सका? How could I reach there? आप समय पर क्यों पहुंच सके? Why could you reach on time? हम लोग उसके साथ अंग्रेजी कब बोल सके? When could we speak English with him? रवि वनीता के साथ कैसे नाच सका? How could Ravi dance with Vanita? तो दोस्तों आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंग्लिश के और भी ग्रामर टॉपिक जानने के लिए आप मेरी चैनल की विजिट कर सकते हैं। कुड, वुड और शुड के तीनों वीडियो है मेरी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज इन वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें औरों के साथ और इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।